बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पठान मूवी, जो कि अभिनेता शाहरुख खान द्वारा बनाई गई है, उसमें हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। वहीं फिल्म में अभिनेत्री बिकनी के रूप में भगवा रंग का उपयोग गलत तरीके से दिखाया गया है, जिसमें हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत हो रही है। उन्होंने बताया कि ये फिल्म शिवपुरी में नहीं चलने दी जाएगी। फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। शिवपुरी में पठान फिल्म रिलीज होती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्ण रूप से इसका विरोध करेगा। सर, आपने चौराहे पर ये पोस्टर हैंग किया है और एक आंदोलन प्रकार का किया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जैसा कि सर्वविदित है, शाहरुख खान अभिनेता द्वारा एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है पठान। उस फिल्म में एक सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित करने का कुचक्र रचा गया है। उस फिल्म में एक गाना है जिसमें भगवा रंग को अपमानित करने का रंग बताया गया है और साथ ही एक अश्लील उसमें एक सीन फिल्माया गया है जिसमें जो अभिनेत्री हैं वो भगवा रंग की बिकनी पहने हुए हैं, क्योंकि भगवा रंग हिंदू समाज के स्वाभिमान का रंग है। भगवा रंग हिंदू समाज का स्वाभिमान है। भगवा रंग हमारे लिए पूजनीय रंग है। भगवा रंग हमारे ध्वज का रंग है और ऐसे रंग को सुनियोजित तरीके से बिकनी के रूप में एक अभिनेत्री को पहनाया गया है, असली फिल्म में असली चित्र उसमें फिल्माया गया है। इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व्यापक रूप से विरोध करता है। हम किसी भी स्थिति में इस फिल्म को शिवपुरी में नहीं चलने देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ भी और कई जिलों में और कई बार भी प्रदेश स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। हमारे प्रांत में भोपाल मुख्यालय पर भी बजरंग दल द्वारा इसका विरोध किया गया है। सभी जिलों में इसका विरोध किया जाएगा। किसी भी स्थिति में इस फिल्म को नहीं चलने दिया जाएगा।